ओम शांति कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे चिराग किताब में से ली गई साहित्यकार साहित्यकार क्या होता है जितनी व्याख्या करें कम है आइए बात करते हैं यशपाल शर्मा जी की चिराग किताब में से ली गए साहित्यकार और स्वागत करते हैं यशपाल शर्मा जी का यशपाल शर्मा जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे अपने स्टडी में बुलाया जी आपकी कविता है साहित्यकार जी इसकी पंक्तियां इस प्रकार हैं जी युगों से साहित्यकार है रचनाएं लिखते आ रहे हर विधा से मानव का मनोरंजन है करा रहे समाज सेवा की सेवा में जिन वीरों ने दिए बलिदान उन वीरों की गौरव गाथा लिख चमकाए उनके नाम काव्य कहानी जीवनियों से जीवन मर्म खोल बताए गीतों गजलों में गायकों ने अमर संदेश गा सुनाए के अंग-अंग के तरह तरह के भाव दर्शाए चांद रात्रि ओस और प्राता घनों से उपमा देश सजाए चुन भाव प्रकृति से उपमा नारी हाव भाव बताए रूप मोहित कही है आशिक नयन से घायल कहीं दिखाए खंजन पक्षी से है लोचन कहीं म्यूर चाल बताई कहीं प्राता लाली मुखड़ा साड़ी तारो जड़ी बताई औरत की व्याख्या औरत के बारे में लेख लिखा हुआ है साहित्यकार दुनिया में जितना भी साहित्य है जी। जितना भी लिखा गया उसे सारे कोई साहित्य कहते हैं साहित्य की अनेक विधाएं उपन्यास है कहानी है जीवनी है यात्रा संस्मरण है और उसमें आप जोड़ सकते हैं कि जितने ज्ञान है, हैं चाहे वो धार्मिक हैं चिकित्सा संबंधी हैं कृषि संबंधी हैं गायन विद्या है जैसे गजल वगैरह इन सब को मिलाकर के हम साहित्य बोलते हैं जी संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए मनोरंजन के लिए जो कुछ भी है जो लिखा गया है जो रचा गया है रचनाकारों द्वारा सबको ही हम साहित्य बोलते हैं और उसकी रचनाकार जो है उन्हें साहित्यकार बोलते हैं मैं पिछली एपिसोड में बात कर रहा था कि जब ब्रह्मा जी ने रचना की इस सृष्टि की तो सब कुछ स्थिर था किसी का किसी की तरफ को भाव नहीं था ना धार्मिकता था और ना को किसी की तरफ ध्यान दे रहा था कि ये रूप सी है या है या नहीं है कोई ऐसी कोई आकर्षण की बात नहीं थी तो ब्रह्मा जी को उदास करके जब उनकी पत्नी माँ सरस्वती ने पूछा कि स्वामी आप इतने उदास क्यों हैं तो ब्रह्मा जी का उत्तर था कि मैंने ब्रह्मा मैंने इस रचना को संसार की रचना को और इसके हर एक चीज़ को बड़े यत्न से बड़े लगन से बनाया है किंतु मैं देख रहा हूँ कि संसार में कोई किसी के तरफ उसका ना कोई आकर्षण है ना कोई भाव है ना सुंदरता की तरफ है ना और किसी की तरफ है तो मैं समझता हूँ जी मेरा ये रचना करना ही बेकार है तो उसने कहा कि मैं आप में इसकी मैं मदद करूँ उसने कहा हाँ क्यों नहीं तो ऐसा इतिहास आता है कि मां सरस्वती ने वीणा वादन किया जैसे वीणा वादन किया हर एक वस्तु जी जो थी हर एक नर नारी जो था वो अपने अपने भाव में ख्याल में आने चला गया hmm. बाग बगीचे थे उनमें फूल जो फूलों की तरफ जो भमरे थे वो मटराने लगे गुनगुनाने लगे और इसी तरह अनेक नेक, -नेक भावों जो भाव थे वो लोगों में जागृत होने लगे स्त्री तो पुरुष में आकर्षित होने लगा और संसार का जो ढरना था अनेक रूपों में चलने लगा उन्हें एक रस भरने लगा ममता जागने लगी माँ है बच्चे को जन्म देती है अगर उसके ममता का भाव ना हो तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा हम पक्षियों को देखते हैं मानव जाति तो बच्चों से चाहती है कि जब हम हम बुढ़ापे में आए तो हमारी संतान हमारी सेवा करे उस समय जे हमारे जो वाजू हैं ये कमजोर हो गए उन वाजुओं का दम जो है जो वाजू जे बच्चे जो है हमारे जो वाजु होंगे उस समय हम बीमार होंगे हमारा इलाज करवाएंगे तो हमें सुख सबदा औलाद के रूप में होगी किंतु पक्षियों को पक्षियों को देखो कि एक माँ अपने बच्चे के लिए दाना चोंच में ले के आती है और बच्चे को खिलाती है जबकि उसे ये पता है कि इसने जैसे ही जिसके पंखों ने काम करना चाहिए उड़ान भर जाएगा एक इंसान ही ऐसा है जो अपने बच्चों से उम्मीद लगाए बैठा है और उम्मीद पूरी हुई तो ठीक है नहीं पूरी हुई तो दो का कारण बन जाती है और आशाएं जो है हमारी एक सीमा है वो हमारे दुख का कारण है तो साहित्यकारों ने हर रंग में हर क्षेत्र में अपनी कला को चलाया है जी साहित्य अब हम कह सकते हैं गजलकार कह सकते हैं तो गजलों में क्या है गजलों में एक नारी की सुंदरता है और जो गजलें हैं वे उर्दू भाषा में बहुत अच्छी चलती हैं हिंदी में गजलें नहीं चलती तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो गज़लों को बड़े प्यारा बनाते हैं बहुत खूबसूरत बनाते हैं शब्दों में लय बनती है जी। नारी के रूप में वो मैहसन का प्रयोग करते हैं और जो के है उसके लिए वो पतंगे का रूप का आ, वो परवाने का रूप देते हैं चाहने वाला दीवाना उसे दीवाना कहते हैं शमा लौ को कहते हैं और जो जिसके लंबे और काले बाल हैं उसे वो जुल्फें कहते हैं वो इस तरह की कई उपमाएँ कई बिंब प्रतिबिंब दे करके गज़लों को लिखा जाता है और गजलें लोग बहुत पसंद करते हैं और इसी तरह जो फिल्मों में गीत लिखे गए वो लगभग उर्दू में हैं हिंदी में हैं कुछ एक गीत और अच्छे बन पाए हैं किंतु वो वो नाम हैं वो जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा मीठा जहाँ नमकीन कह सकते हैं जो हिंदी में है बाकी गजलें जितनी भी जितने भी हैं या फिल्मों में जितने गीत दिए जाते हैं उनकी जो भाषा है वो सबकी उर्दू नुमा है उनकी यदि वो हिंदी में लिखते हों किंतु जो शब्द हैं वो सारे के सारे वो उर्दू के हैं ऐसे ही उपन्यास हैं और कुछ उपन्यास दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं गोरखी का जो रशिया का साहित्यकार था नोबलकार था उसने गोरखी लिखा गोरखी लिखा माँ इसी तरह से हमारे इधर मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े नावलकार हुए हैं उनके कुछ उपन्यास दूसरी भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया और मुंशी प्रेमचंद के दो तीन उपन्यास जो हैं वो वर्ल्ड फेम हुए हैं उनमें एक गुदान है निर्मला है तो निर्मला में उन्होंने क्या कहानी दी कि एक बाप एक इंसान जब एक जवान उसकी औलाद के बाद जब वो शादी करता है जी। तो वहाँ पे गड़बड़ होगी एक इंसान जब एक, एक खूबसूरत लड़की को लाता है खुद उसकी वो अधेड़ हो चुका है तो वहाँ पे गड़बड़ होगा वहाँ <laughs> पे जो नौजवान बच्चे हैं जो रूपसी है जो नौजौबे हैं जो उसके सपने हैं वो कहाँ पूरी करेगी एक कहानी आती है लूना की जी। कि राजा सलमान था सियालकोट का तो उसकी पहली रानी थी इच्छा और राजे लोग होते हैं इनका मन पे आता है वो प्यार वो से वो धन से लोभ से किसी उखरी लेते हैं तो लूना नाम की एक नवजुपति को उसने देखा उसने उसे शादी कर ली लूना की उम्र उस समय बिल्कुल छोटी थी खूबसूरत थी उसे अपने मुताबिक जो उसका साथी चाहिए था किंतु माँ बाप ने उसका पैसे लिए होंगे, लोभ लालच लिया होगा लूना आ गई और पूरन इचरा का बेटा था जो नौजवान था तो पूर्ण के बारे में ऐसा जो किस्से में लिखे जो काफ़ी किस्से लिखे गए हैं तो कादर यार एक उर्दू शायर हुआ है उसने पूर्ण भक्त का किस्सा लिखा है मैंने उसका वाचन किया देखा मैंने उसने क्या लिखा तो जब ज्योतिष लगाया गया उसके जन्म के वक्त तो उसे राजा को कहा गया कि हे राजन बारह साल तक इसका तूने मुख नहीं देखना है अगर देखोगे तो अनिष्ट होगा इसे आप पर्दे में रखिए तो बारह साल पूर्ण को पर्दे में रखा गया बाप ने उसका मुखड़ा नहीं देखा बारह साल के बाद जब उसको आ, बाहर लाया गया तो बड़े मंगल किए गए कई तरह के दान किए गए तो पूर्ण नौजवान था खूबसूरता और राजकुमार था जो तो राजा ने कहा कि जाओ अपनी जो तुम्हारी बे है दूसरी माता है जो उसको प्रणाम करके आओ तो पूर्ण अपनी माता को लूना के जब महल में गया तो जो लूना थी वो उसके ऊपर मौत हो गई कि ये सच मुझे ये मेरा हानि है ये मेरा साथी है मुझे ऐसा ही पति चाहिए तो उसने पूर्ण को कहा कि तुम उसे प्यार कर आई आई लव यू वेरी मच तो उसने कहा कि तू मेरी माँ है जी क्या कह रही हो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो कहती है मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है तुम्हारे बाप की बुद्धि भ्रष्ट हुई है मैं खूबसूरत हूँ मेरा तो हानि है वो साथ है, तुम्हारा बाप बूढ़ा है वो मेरा साथी कैसे हो गया कश्मश चलती है अगर पूर्ण उसकी बात नहीं मानता कहता मैं माँ के साथ ये कुकर्म नहीं कर सकता मैं ईश्वर को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा ये बात नहीं हो सकती आप मेरी माँ है मेरी बात को स्वीकार करो मेरे परिणाम को स्वीकार करो उसका नाम है तुम्हारी माँ हूँ मैं तो तुझे अपने अपने पेट से जन्म थोड़ा दिया है मैंने जी, मैं तुम्हारी जी. माँ कैसे हो गई मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ तो तू मेरी बात मान हम अपने बिलासा में जीवन बिताएंगे किसी को पता नहीं चलने देंगे ये सारा कुछ गुप्त रहेगा मेरी भी इच्छाएँ पूर्ण होती रहेंगी मेरे भी सपने पूरे होते रहेंगे और तुम्हें भी आ, आ, मेरी देह का काया का कोमल देह का तो भी आनंद मिलता रहेगा पूर्ण जापात नहीं माने तो उसने दूसरा चक्कर चलाया उसने राजा को शिकायत की कि ने मेरे बदतमीजी की थी है। जे मुझे अपनी जे मुझे बिलासता की नजर से देखता है तो राजा ने बिना सोचे समझे पूर्ण का पक्ष सुनने से पहले उसने कहा इसको कत्ल कर दो इसकी हिम्मत कैसे हुई एक मांग के ऊपर आंक उठाने की तो ये जलाद थे विधि का विधान कुछ और है सारी बातें इंसान के कहने के मुताबिक नहीं होती ना सोचने के मुताबिक होती हैं। तो जलादो ने सोचा कि हम इसे मारेंगे नहीं इस बेचारे का कसूर नहीं है उन्हें उसके हाथ काट करके हाथ पांव काट करके उसे कुएं पर डाल दिया फेंक दिया तो पूरन चिल्ला रहा है आरास से कोई जाता है एक योगी जा रहा था और उस योगी ने जब देखा तो उसने उसे बाहर निकाला देखे उसके पाम नहीं है और उस जोगी ने उसे बाहर निकाला हाथ पाँच जोड़े उस, उसके हाथ पैर उसने उसकी कला कला की कला थी हाथ पैर उसके उसके लगाए और अपने साथ बना उसको तो ये एक पूर्ण का इतिहास है जब ये कथा गाई जाती है तो आदमी के रोंगटे खड़े होते हैं समाज में भी जो मतरे माए होती हैं वो क्या कुछ नहीं करती हैं तो ये, ये नाटक हाँ जी जी ये साहित्य क्या एक किस तरह से लिखा जाता है क्या चीज है असल में होता जो है कि कुछ कल्पनाएं होती हैं और कुछ सच्चाई होती है जी उस सच को या कुछ मिक्सिंग करके जैसे आप एक खाना बनाते हैं एक सब्जी बढ़िया तब तक तो नहीं बन सकती जब उसमें कुछ आप मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो जी उपन्यास लिखते हैं किस्सा लिखते हैं पूरी सच्चाई तो उसमें नहीं होती है अच्छा उसमें कुछ ना कुछ वो आपने तब कल्पना की तरफ से डाला जाता है कि ताकि टेस्ट बन जाए जैसे हीराजा के किस्सा है तो वर्षा का सबसे ज्यादा जो किस्सा था ही रांझा को वो माना गया अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग माना गया और उससे पहले भी कई लोगों ने किस्से लिखे थे ही रांझा के ऊपर किस्सा लिखा किंतु वो इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ वर्षा मैंने सारा पढ़ा है इसके ऊपर थोड़ा काम भी किया है मैंने वर्षा क्या है वारिशाह उसका लिखने वाला है उसका राइटर है अच्छा। जी उर्दू शायर है अच्छा अच्छा और वो उसमें अगर वो बात करता है किसी रूपसी की उसकी अंगों की तो पता नहीं कहाँ कहाँ से उपमाएं आती हैं अगर वो बात करता है बर्तनों की तो कमाल की है अगर वो बात करता है किसी मिष्ठान की या जो खाद्य पदार्थ हैं तो उसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से वो कहाँ कहाँ से उसे इतना नॉलेज है बात करता है गाय की भैंसों की वो पता नहीं क्या है मैंने देखा उसके ऊपर इतना ईश्वर का अल्लाह का इतना उसे रहमो कर्म उस पर रहा है कि वो अपने आप में बेजोड़ हो गया और वो जो किस्सा है वो कई भाषाओं में आगे हिंदी में भी वो छपा और दूसरी भाषाओं में छपा पंजाबी में पंजाबी भी में भी छपा हिंदी में छपा उर्दू में तो छपा ही छपा बहुत हो तो वो अपने अपने में कमाल है इसी तरह सस्सी है बालो माइया है और रूप बसंत है तो रूप संत है जो है वो भी पूर्ण भक्त के साथ ही सच मिलता है ये किसे हमारा एक सांस्कृतिक इतिहास है रूप बसंत तो एक मौसम को कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं। रूप और बसंत दो भाई थे वो एक राजा के लड़के थे जो राजा बसंत ऋतु आ गई नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसा नहीं है जी। राजा एक हुआ है तो उसकी जब शादी हुई और उसके जब दो बच्चे हुए तो वो बीमार हो गई बीमार तो एक दिन वो बिस्तर पे लेटी है तो देखती क्या है कि एक चिड़िया एक चिड़िया है वो चिड़िया नीचे गिरी उसने बच्चों को जन्म दिया चिड़िया नीचे गिरी वो मर गई चिड़ा दूसरी ले आया तो दूसरी ने और जो 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 छोटे बच्चे थे उनको कंकर दे देकर मार दिया तो उसके मन में ये भाव आया कि मैं बीमार हूं अगर मैं कल मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों के जो आने वाली जो मेरी सौतन होगी जो दूसरी इन बच्चों की माता होगी मतलब ही माँ होगी वो इनके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो उसने राजा से बात कही कि राजन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बचूंगी नहीं मैं मर जाऊंगी किंतु एक बात करना दूसरी शादी ना करना तो राजे ने कहा कोई बात नहीं मैं शादी नहीं करूंगा तो अबल तो तू मरे ही नहीं मेरे पास अच्छे अच्छे वैद हकीम है तुम्हें तो मरने ही नहीं देंगे दे। अच्छा तुम्हारा तो इलाज चल रहा है किंतु देव योग से दुर्भाग्य से ये हुआ कि वो रानी मृत्यु को प्राप्त हुई तो राजे राजे होते हैं राजों को कहना एक बात है उस पर अमल करना भगवान राम की तरह अमल करना कि मैं दूसरी शाह उसने एक ही सीता के ऊपर ही उसने डिपेंड रहा वो सीता बेशक चलेगी जबरती में समा गई दूसरी शादी नहीं की जब उसे वो राजा था उसे को कमी नहीं किंतु राजा ने दूसरी शादी की जब दूसरी शादी की तो वही बनी बसंत जब आ, उनके दो बच्चों के नाम थे उस राजा के पहली पहली बी, बीबी से रूप और बसंत तो जो बसंत था उसे कबूतरों कबूतरों को बड़ा शौक था एक दिन कबूतर जो उनकी मतरेई मां थी उसके महल में चला गया तो वो कबूतर लेने गया तो जब उसने उसे अपनी मतरेई मां को देखा तो वो उस पर मोहत हो गई जैसे लूना पूर्ण के ऊपर मोहत हुई उसने उसे बिठाया क्या बात है जी हाँ उसने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो।, हो तुम मेरे हानि हो तुम मेरे बराबर है तुम्हारा राजा बूढ़ा है तुम्हारा बाप बूढ़ा है तो वो उसे समझाता है कि हे माँ ऐसी बात नहीं है तू मेरी तू मेरी माँ है कहती है, मैंने तुझे अपने पेट से जन्म थोड़ा दिया है तो वो रानी उसे कहती है कि देखो मैं कितनी खूबसूरत हूँ तू भी बहुत खूबसूरत है और तुम यौबनावस्था में हो मैं भी यौबना में हूँ आओ अपना अपना आप, यहाँ पे विलासता का जीवन बिताते हैं सब कुछ है। यह गुप्त रूप में रहेगा किंतु वो यह बात नहीं मानता तो उसने अपना चित्र खेला नारी नारी अपने चित्र के ऊपर आ गई उसने राजा को कहा कि इसने मुझसे बदतमीजी की है ये ये मेरे साथ अश्लील हरकतें करता है तो राजा ने उसको जब कहा कि इनको मृत्यु दंड दिया जाए तो उसने उसका जो बड़ा भाई था रूप उसने उसका विरोध किया कि नहीं उसका तो पक्ष आपने सुना ही नहीं है कहता मैं सुनूं क्यों राजा के ऊपर अपनी पत्नी का भूत सवार था उसकी सुंदरता का भूत सवार था अपनी पत्नी के ऊपर ही विश्वास था पुत्र के ऊपर विश्वास ना रहा तो आखिर मंत्री ने उनको राय दी कि राजन इनको मृत्यु दंड देने की बजाय अपने इस पुत्र को आप देश निकाला दे दीजिए तो जब एक निकलता तो दूसरा भी उसी के साथ चल जाता है जो कहानी बड़ी लंबी चौड़ी चलती है आगे चल करके के बहुत तकलीफें सहन करता है वो और आखिरकार फिर वो दोनों भाई मिलते हैं फिर दोनों भाई बिछड़ भी जाते हैं मिलते हैं और उनको कई मारने वाले ऐसे हैं जब कहते हैं कि जाको अम जिसे ईश्वर रख रह ले उसे कोई नहीं मार सकता तो ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है पहले जमाने में क्या होता था अरासें होती थी गांव में तो रात को जब जब खेती बाड़ी के काम खत्म हो जाते थे तो गांव में राजदारी आते थे तो रासें करते थे उस समय ये सारे किस्से गाए जाते थे हीर, हीर अंजा ही वर वरिशा की हीर गाई जाती थी और पूर्ण भक्त का कादर यार का जो किस्सा था इसका नाटक किए जाते थे इसी तरह से आ, मिर्जा साहबा है, ससी पुनू है शीरी फरियाद है जो सारे ये किस्से थे जो मनोरंजन का साधन था उस समय और कोई मनोरंजन का साधन नहीं था ना रेडियो थे ना टेलीविजन थे और ना ही ये मोबाइल सिस्टम था तो इंसान मनोरंजन चाहता है मेले होते थे मेलों के मेलों में बड़ी मौज होती थी बंगड़े होते थे जब बैसाखी आती थी दिवाली होती थी लोहड़ी होती थी तो लोग महीनों पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देते थे जी। आज उन त्योहारों में किसी की रुचि नहीं रह गई है। आज चरखे हैं हैं। वो सारी बातें टेलीविजन के ऊपर आ रही हैं कि तो वो जो संस्कृति हमारी है जो विरासत है वो लुप्त तो होती चली जा रही है आगे आपने कहा बचपन यौवन बुढ़ापे पर हरि नाम की महिमा गाई लैला मजनू प्रेम कहानी ही रांझे पर कलम चलाए कई उपन्यास नाटक कहानी निबंधों को है खूब बनाया कला कल्पों के रंगों से तूने जी भर है सजाया प्रेमचंद्र भते भरतेंदु टैगोर स्मृति बसे हैं कालीदास पंत निराला महादेवी गुप्त अमर रहेंगे दिनकर प्रसाद ये जो अपने प्रेमचंद्र चंद्र भारतेंदू टैगोर पंत निराला महादेवी गुप्त क्या ये कवि थे टैगोर से कवि हुए है टैगोर ने कितांजल लिखी तो उसे बहुत बड़ा इनाम जो विश्व का होता है उसे वो मिला और उस इनाम से उसने शांति निकेतन बनाया कलकत्ता में मैंने शांति निकेतन नहीं देखा है किंतु मेरा मन है है कि मैं शांति निकेतन देखूं जो उसने बनाया टैगोर ने टैगोर ने नावल भी लिखे पोइट्री लिखी और जो गीताजलि है इसका मैंने वाचन किया ऐसे मैंने गहराई से देखा उसमें सर ईश्वर के संबंध में जो कुछ इतना गहराई से उसने कहा है वेदों शास्त्रों उपनिषदों का जो जितना निचोड़ है उसने गीतांजलि में भर दिया है और कुमाल की बेजोड़ चीज है मैं कल आपसे एक एपिसोड में बात कर रहा था कि हिंदी के चार स्तंभ हैं सुमितानंद पंत महादेवी वर्मा सूर्यकांत कांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद प्रसाद की नहीं बहुत प्रसिद्ध हुई है और उसमें ऐसी व्याख्या उसने जयशंकर प्रसाद ने कि कमाल की बात है महादेवी वर्मा ने भी जो लिखा वो सारा ही ईश्वर के संबंध में लिखा है उनके जीवन में भी एक अजीब सी घटना आती है कहते हैं कि जब उसकी शादी हुई तो पता नहीं किसी बात के ऊपर क्या झगड़ा हुआ अपने सुहागरात के दिन ही उनका कोई ऐसा कुछ हुआ तो उसके पति ने उसको त्याग दिया महादेवी वर्मा ने दूसरी शादी नहीं की और उसी के ऊपर वो अपने पति को ही पति को ही अपना ईश्वर मान करके उसने बहुत ही इतना कमाल का लिखा है कमाल का लिखा है कि हम कुछ कह नहीं सकते गजब का लिखा है इसी तरह सुमित्रा पंत है बहुत अच्छी पोइट्री करके गए हैं और निराला है निराला की सरोज स्मृति है जो अपन में बेजोड़ है उसकी पुत्री मर जाती है उसका नाम सरोज है तो सरोज स्रो, स्मृति में कहते हैं कि जब उसकी पुत्री मर गई तो ममता में पुत्री की ममता में वो इतने भटके कि वो पागलों जैसे हो गए हार करके फिर उनका मन को शांत करने के लिए उसने कलम उठाई अपनी और सरोज स्मृति लिखी वो सरोज स्मृति जो है वो देखने लायक है भारती जी हिंदी के स्तंभ कह सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी का इतिहास बहुत बढ़िया लिखा है और और को नाम बताइए मैं उसके बारे में भी अगले बात करूंगा प्रेमचंद्र चंद्र की हम बात करते हैं वो वो बंगाल बंगाल के थे और उनके नाटक उनके नावल बड़े मशहूर हैं है। उसके ऊपर एक नाटक आता है ए, मुझे नाम उसका नहीं आ रहा जी। वो उसके ऊपर फिल्म भी बनी है देवदास ओ। तो जो शर्त चंद्र था इन्होंने जो वैश्यों के ऊपर बहुत ज्यादा लिखा कि इनका सुधार होना चाहिए तो किसी उसके साथी ने उनको ताना दिया अगर तुम तो वैश्यों से यार इतना लगाव है तो क्यों नहीं उसे शादी कर लेते तो कहते हैं कि उसने एक वैश्य शादी की <Sessly> कैसे मैं अपना अपनाऊंगा मैं ये मजबूरियों में ये पता नहीं कैसे ये बेचारी बनी है किसी गृहिणी का मान नहीं करता कि मैं वैश्य बनू <Sessly> किंतु उन्होंने वो करके दिखाया शरती चंद्र बहुत बड़े उपन्यासकार और बंकम चंद्र की बात करें उन्होंने बंदे मातरम लिखा आनंद मठ उन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम से ही संबंधित एक नॉवल लिखा जो अपने आप में बिजोड़ है बंदे मातरम उन्होंने उसमें उसमें लिखा था और सन उन्नीस सौ छत्तीस में यही एक राष्ट्रीय गीत बन गया इसी गीत को ले लेकर लोग लेकर के आज़ादी ले के जो परवाने थे वो यही गली गली नगर नगर डगर डगर, डगर बंदे मातरम बंदे मातरम यही गाते हैं आज भी जब रेडियो को हम स्टार्ट करते हैं सुबह तो ध्वनि जब मंगल ध्वनि बजती है तो उसके बाद आता है वंदे मातरम यही गाया जाता है जे अपने आप में एक बेजोड़ है जो हर भारतीय बहुत अच्छे आपकी ये साहित्यकार आगे में रचना लगा सकते हो हाँ। साहित्यकार रचना जी हाँ। आपने बहुत अच्छी लिखी आपने इसमें बहुत से कवियों के भी नाम लिए उनके बारे में भी बताना चाह लेकिन अभी समय बीत रहा है जी हाँ। अगले कड़ी में यही साहित्यकार हम आपकी कविता को लेकर आएंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत धन्यवाद मित्रों अगली कड़ी में हम फिर से साहित्यकार को लेकर आएंगे साहित्यकार क्या है ये आपने जानने की कोशिश की सिर्फ हम शब्द ही बोलते थे साहित्यकार अगली कड़ी में इसी कविता को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति नमस्कार ओम शांति